अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। आज की इस वीडियो में कुछ गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास किसी किस्म की कोई स्किल मौजूद है, या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे इटली में रहकर तालीम हासिल की है, या वो लोग जिन लोगों के पास जो है बतानते हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ पहली बात करते हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो वैकेंसी जो जॉब है बहुत ज़्यादा ऑफर आ रही हैं जॉब की तरफ से। पहले जो अभी तक ऑफर आ चुकी है वो एम्स की तरफ से है। एम्स की तरफ से ऑफर आई है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो 2000 लोगों की जॉब जो है वो अवेलेबल है, उसके वैकेंसी ओपन हो रही हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कि जिन लोगों के पास जो है लाइसेंस है, जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद पोस्टा इटालियाना, पोस्टा इटालियाना को तकरीबन सभी लोग जानते होंगे जितने भी इटली में रहते हैं कि पोस्टा इटालियाना की वैकेंसी जो है वो ओपन की जा रही है। पोस्टा इटालियाना की जो वैकेंसी ओपन की जा रही है उसमें आपका लाइसेंस होना जरूरी है, पोस्टमैन की वो जॉब होगी। लेकिन उनका साथ ही साथ कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है 4 महीने का, 4 से 5 महीने का प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपकी ट्रेनिंग पीरियड भी होगा और 1100 से आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी शुरू होगी। उसके बाद आपकी कारकर्दगी को देख के आपको रखा जाएगा तो और उसके बाद ही आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब अगली न्यूज है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों का CID अप्लाई नहीं हुआ, मतलब कि काला इंदिग्रासियों ने जिन लोगों का अप्लाई नहीं हुआ, जिन लोगों के मालिकान अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो लोग भी अपना CID जो काला इंदिग्रासियों ने खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको जरूरी है कार्ता दंती था को दीजिए फिस्काले परमेश्वर दी सुजोरनो। और उसके बाद आपका बैंक का जो अकाउंट है वो जरूरी है, पोस्टे का या किसी भी बैंक का आपका वो अकाउंट जरूरी है, उस पर आपका IBAN नंबर लगेगा। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आप कॉन्ट्रैक्ट और अपने दो बूसे पागे और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सभी आप लेकर किसी भी कफ के दफ्तर में जाके आप खुद जो है वो दुमांदा करवा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके पास अपने मालिक का पतिता ही वाहन होना चाहिए तो आप उसका दुमांदा कर सकते हैं। और आप जो आप अपना अकाउंट देंगे बैंक का, उस आपके अकाउंट में जो डायरेक्ट आपके पैसे आ जाएंगे। तो जैसे ही कफ के दफ्तर खुलते हैं तो आप अपना जाके काजा इंटीग्रेशन का दुमांदा कर सकते हैं। अभी बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के पास अभी काम नहीं है, और उसके बाद हम लोग आपके सवाल जो है वो शामिल करेंगे। और जिन लोगों के पास अभी काम नहीं है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इटली की इमिग्रेशन खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर इमिग्रेशन खुल जाती है तो एग्रीकल्चर का जिन लोगों के पास काम नहीं है, किसी किस्म का भी काम नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कुछ वेबसाइट आप लोगों को बताता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर अपना काम जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर तो आप एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के काम के लिए आपको कंपाना एग्रीकल्टूरा पुंटो इट इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना काम देख सकते हैं, आपको इस वेबसाइट पर काम मिल जाएगा। तो अगर आप और किसी किस्म का कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए आप openjob.com पर जा सकते हैं, या फिर cornerjob.com पर जा सकते हैं, या फिर आप infojob पर, ये सभी के सभी जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इन वेबसाइट पर जाकर जो है वो अपना काम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त भी, आप उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करके तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो अभी कुछ सवाल आपके आप लोगों के हैं वो हम लोग शामिल करते हैं कि एक भाई का पूछना है कि दिसोकुपासी होने वाला दुमांदा हम लोग कब तक कर सकते हैं। दिसोकुपासी होने वाला दुमांदा जो है वो आप 60 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं, लेकिन अब जो जिस सूरत हाल से इटली गुजर रहा है कोरोना वायरस से, तो इसलिए आप लोगों का जो दिसोकुपासी होने का वो टाइम है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए आपको बेफिक्र हो जाए, जब भी ये लॉकडाउन खत्म होता है तो आप दोबारा जाके दिसोकुपासी होने का दुमांदा कर सकते हैं। उसके बाद एक और भाई का जो सवाल है कि दिसोकुपासी होने दुमांदा क्या किया है, तो 600 यूरो वाला भी दुमांदा कर सकते हैं। जनाब 200 होने का मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर तो आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो आपका पतिता इवा नहीं है तो सिर्फ आप 200 होने का दुमांदा कर सकते हैं या बोनस फेजा का आप दुमांदा कर सकते थे। उसके बाद वो लोग जिन लोगों का पास पतिता इवा भी है और वो लोग काम कर रहे थे तो वो उनके उन्होंने 200 होने लगवाई है, तो वो लोग 600 यूरो का दुमांदा कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि भाई फ्रांस से आना चाहता हूँ, फ्लाइट या ट्रेन कब तक खुल जाएंगी। इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पहले तो डोमेस्टिक फ्लाइट ओपन की जाएंगी सिर्फ इटली के लिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो फ्लाइट है और सब कुछ वो जो है ओपन किया जाएगा। तो हो सकता है 18 मई के बाद इसकी अपडेट आ जाए या 3 मई तक इसकी अपडेट आ सकती है, जैसे ही जब इटली ओपन हो जाएगा थोड़ा बहुत तो सूरत हाल देख के फिर उसके बाद वो लोग अपडेट देंगे। अगला सवाल है कि ब्रदर 600 वाला दुमांदा हाफ पिन से अप्लाई हो सकता है, कितने डेज में अकाउंट में आ जाता है। हाँ, दुमांदा आपका हाफ पिन से नहीं होगा, आपको मुकम्मल पिन चाहिए, या आप किसी भी कमर्शियल से रब्ता करके आप दुमांदा करवा सकते हैं।
वो डायरेक्ट आपका दुमांदा खुद ही कर देगा, आपको उसके लिए पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी जो कोई फीस होगी आप उसको फीस देकर अपना दुमांदा करवा सकते हैं। कितने दिन में ये आपके अकाउंट में आएगा ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि अगर आप अभी करेंगे 600 वाला दुमांदा तो आप अगले महीने वाले दुमांदे में शामिल होंगे, आपका पिछला जो दुमांदा है वो नहीं होगा, उसमें आप नहीं होंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट जो है बहुत से लोगों को जा चुकी है और बहुत सी की वेरिफिकेशन चल रही है और बहुत से लोग हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं। तकरीबन 2,45,000 लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं, उसमें से 4 लाख लोगों की वेरिफिकेशन चल रही थी, उसकी अभी मजीद अपडेट नहीं आई। अगली बात करते हैं कि सर ओपन इमिग्रेशन के बारे में कुछ बताएं। ओपन इमिग्रेशन के बारे में तकरीबन मैं दूसरे तीसरे दिन ही अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर बताता हूँ कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं खुली है। जैसे ही इसकी कोई अपडेट ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर आप लोगों को जो है शेयर करेंगे। अगला सवाल है कि भाई स्थितिरत्ता हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप स्थितिरत्ता खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा आप स्थितिरत्ता खुद अप्लाई करने की बजाय आप पहले किसी भी कफ के दफ्तर में चले जाएं, वहां पर जाने के बाद आप उनसे पूछ के अपनी कैलकुलेशन पहले करवा सकते हैं कि आपको कितने पैसे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे या कितने पैसे आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। जब आप वो अपनी कैलकुलेशन करवा लेंगे तो उसके बाद ही दुमांदा कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास दो खुद है उन लोगों को दुमांदा लाजमी करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना और दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।